आज हम 5 बादाम से काफ़ी बढ़िया महंगी मिठाई जो है घर में बना के तैयार कर लेंगे। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर आपको सिर्फ 5 बादाम लेनी है। मिक्सी का जार आपका सूखा और साफ रहना चाहिए। इसी के अंदर हम 2 हरी इलायची डालेंगे, साथ में इसी के अंदर मैं 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ। इन सबको आपको अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। अगर आपका अच्छे से बारीक ग्राइंड नहीं होता, इसे आप छन्नी से छान भी सकते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसी के अंदर हमने जो शक्कर बादाम इलायची को पीस के तैयार करा, इसे आप डाल दीजिए। इसे मैंने अभी साइड में रख दिया है। मैंने मिक्सी का वही वाला जार लिया है, इसी के अंदर हम नारियल का बोरा डालेंगे, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। ये बिल्कुल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये थोड़ा सा मोटा है, इसे हमें हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है। मिक्सी को रुक रुक के चलाना आपको। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बारीक पाउडर इसका हमारा बन चुका है। इसे भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, साथ में अच्छे टेस्टी के लिए इसके अंदर मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसी के अंदर आपको दूध लेना है। मैंने 1/4 कप दूध लिया है, लेकिन वो भी हमें पूरा नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। लगभग मुझे इसे मिक्स करके तैयार करने में सिर्फ 3 चम्मच दूध का ही मैंने इसमें यूज़ करा है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, इसे मिक्स करते जाइए। जैसे ही आपको ऐसा लगे थोड़ा सा ये गीला होना स्टार्ट हो गया है, इसमें आप दूध डालना बंद कर दीजिए और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना। ताकत हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर आप ताकत लगा देंगे, जो नारियल का बूरा है इसका जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, ताकि काफ़ी अच्छे से इसके अंदर शाइनिंग आ जाए। इसे भी हम इसी के साथ में मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से इसे आप मिक्स कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाता है। काफ़ी बढ़िया और टेस्टी हमारी इसकी मिठाई बनती है। थोड़ा सा मैंने घी लिया है, ताकि ये बिल्कुल भी हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसे भी आप इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे हमें रेस्ट पे रखने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये डो बन के तैयार हो गया है। मैंने ये पॉलीथीन की जो शीट आती है इसे लिया है, सॉफ्ट वाली लिए। इसके ऊपर हल्का सा मैंने घी लगाया, ज़्यादा नहीं लगाना है। इसे आप लेके थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, इसके छोटी छोटी सी बॉल जैसी आप तोड़ लीजिए। इतने में मैंने 5 बॉल जैसी बनाई है इसकी। हाथों से इसे गोल कर लीजिए थोड़ा सा, इसे साइड में आप रखते जाइए। 1 बॉल ले लीजिए, इसे आप पॉलीथीन की शीट के ऊपर रख कर थोड़ा सा हाथ से कर लीजिए। उसके शीट पे रख के इसे आप थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, लंबा कर करके इसे आप साइड में रखते जाइए। जितना मोटा जितना पतला आपको रोल पसंद है, उस हिसाब से इसे आप बना लीजिए। मैं इसे मीडियम बना रही हूँ। सारे रोल मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे रोल मेरे जो बन के तैयार हो चुके हैं। एक एक पॉलीथीन की शीट के ऊपर इसे आप रोल करते जाइए और इसे रखते जाइए। ये देखिए, ताकि ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसे एक के साथ में एक रोल कर देंगे तो ये चिपक जाएंगे। इस तरह से अलग अलग करने से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी छोटी छोटी पॉलीथीन में रोल करके इसे फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है। मुझे इसे रखे 20 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा सा कड़क हो जाता है। कड़क हो जाने से इसको क्या हम आसानी से कट कर सकते हैं। नरम रहता है तो शेप बराबर नहीं आता। इसी के ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अब हम बराबर पीस कट कर लेंगे। जो साइड वाला इसे मैंने अलग कर दिया है। इस तरह से इसके एक जिससे आप पीस जो है काट लीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया हमारी मिठाई जो है कम खर्च में कम मेहनत में आसानी से बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया और एकदम, आप चाहें तो इसे केसर के साथ भी बना सकते हैं। केसर के साथ भी इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया आता है। बिल्कुल आसानी से टूट जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुलने वाली जो है ये हमारी मिठाई है। बादाम से, सिर्फ 5 बादाम से मिठाई जो है हमारी ये बन के तैयार हुई है। आपको मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज की हम दूसरी रेसिपी इसके साथ में बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये दालिया लिया है, मार्केट में बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाता है। 2 कप आपको दालिया लेना है।
इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सिर्फ 5 मिनट आपको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्ट करा हुआ रहता है। जैसे आपका ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, एक दाना आप लीजिए, उसे नाखून से थोड़ा सा काट के चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से टूट रहा है, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे आप ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। एक मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, इसी के अंदर आपको शुद्ध घी लेना है। आप चाहे तो घर का, आप चाहे तो गाय का भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने घी लिया है, इसे आपको अच्छे से फेंटना है। इस तरह से जो विस्कर आता है, हैंड विस्कर, उससे आप फेंट सकते हैं या फिर बीटर से भी इसे आप फेंट सकते हैं। ये देखिए घी का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसी के अंदर आप एक छलनी ले लीजिए और जो हमने शक्कर रहती पीसी हुई उसका आप यूज़ कर सकते हैं या फिर शक्कर का बूरा। मैंने ये शक्कर का बूरा लिया है 1 कप + 1/4 कप। इसे आप छान के इसमें डालिए ताकि इसमें जो भी मोटे लम्स रहे वो हमारे पूरे आसानी से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से उसके जैसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। जैसे जैसे इसे आप फेंटते जाएंगे ये थोड़ा सा लिक्विड होता जाएगा और थोड़ा सा क्रीम जैसा हो जाएगा। शक्कर का बूरा डालने से इसमें जो दाना है काफ़ी बढ़िया आएगा। अगर आप पीसी हुई शक्कर डालेंगे तो थोड़ा सा दाना जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इसे बनाना चाहते हैं। इसमें मेहनत भी कम लगती है, फटाफट दोनों रेसिपी हमारी जो है बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए मुझे इसे फेंटते हुए लगभग 2 मिनट का समय हो चुका है। कितने बढ़िया तरह से ये फिट चुका है, एकदम हल्का हो गया, लाइट वेट आपको एहसास होगा, बिल्कुल लाइट हो चुका है। ये देखिए जिस तरह से क्रीम रहता है उसी तरह से ये फिट के हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी के अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे और आपको डायरेक्शन एक ही रखना है। इसी तरह से, ऐसा नहीं कि आप एक बार सीधा घुमा रहे फिर एक बार उल्टा घुमा रहे, ऐसे डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में से अच्छे से फेंटना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। इसी पे एक बार हम अच्छे से पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद ही आपको पीसना है, गर्म गर्म में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। ये देखिए मिक्सी के जार में इसे डाल दीजिए, मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाइए ताकि इसका बढ़िया पाउडर बन के तैयार हो जाए। ये देखिए काफ़ी बढ़िया इसका पाउडर बन गया है। इसी के अंदर आपको छलनी लगाना, छलनी से ही इसे छानकर इसके अंदर ऐड करना ताकि इसमें कोई भी मोटे पार्ट्स जो रहेंगे वो सारे हमारे अलग हो जाएंगे। ये देखिए इतना इतना मोटा पार्ट जो निकला है इसे आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, कोई भी काम में नहीं आएगा। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और साथ में इसी के अंदर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाला है 1/4 कप। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा माइल्ड फ्लेवर इसका आएगा तो काफ़ी बढ़िया और टेस्टी लगता है। इसे आप हाथों से मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। हल्की सी आपको ताकत लगानी है ताकि हाथों की गर्मी से जो घी है वो मेल्ट होगा तो काफ़ी बढ़िया बाइंड होना ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी के अंदर मैंने 10 से 15 किशमिश ली थी। किशमिश को मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा काट लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वाली थी, छोटी तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। मैंने 5 काजू 5 बादाम का यूज़ करा है। साथ में अच्छी सी शाइन के लिए इसमें 1 चम्मच घी आप ऊपर से और डाल दीजिए। अगर बाय चांस ये आपका बाइंड नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा घी 1 से 2 चम्मच इसके अंदर आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने घी के अंदर आराम से ये बाइंड हो जाता है। अच्छे से इसे बाइंड कर लीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। वो इस तरह से लड्डू बांधने पे बिल्कुल आसानी से इसके लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए आपको थोड़े छोटे साइज़ के पसंद है तो छोटे बना लीजिए, थोड़े से बड़े पसंद है थोड़े से बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। कितने बढ़िया हेल्दी टेस्टी लड्डू जो है हमारे ये बन के तैयार हुए हैं। खाने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हो, बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं आती, कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शक्कर का बूरा हमने इसमें डाला और काफ़ी बढ़िया हमारे लड्डू जो है बन के तैयार हुए हैं। बांधने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से ये बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे हमारे लड्डू जो है ये बनके तैयार हो चुके हैं।
कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, कोई हमने इसमें कलर का यूज़ नहीं करा, कोई केसर नहीं डाली। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो डालिए, आप चाहें सिर्फ इसे किशमिश के साथ भी अगर बनाएंगे तो काफ़ी बढ़िया ये बन के तैयार हो जाते हैं। तोड़ने पे बिल्कुल आसानी से तोड़ जाते हैं, मुँह में डालते से आपके मुँह के अंदर ये घुल जाएंगे, इतने सॉफ्टली ये लड्डू हमारे बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।